हेलो बच्चों, आज वर्कशीट 19 में हम प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन तथा समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि के लिए बहुत ही साधारण है, आपको एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाना है, यानी कि जो दर्पण हमारे घर पर होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसके सामने आपको खड़े होना है और अपने प्रतिबिंब को देखना है। अब निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार क्या एक ही है? इसका अर्थ है कि जो आप दर्पण में अपने आप को देख पा रहे हैं और आपका जो एक्चुअल में शरीर है, जो वास्तव में शरीर है, क्या वो दोनों एक ही आकार के दिखाई दे रहे हैं? इसका उत्तर है हाँ। दूसरा प्रश्न है, अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। जब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे तो प्रतिबिंब ने कौन सा हाथ ऊपर उठाया? तो आप देखेंगे कि आपके दाएं हाथ ने प्रतिबिंब में हाथ को ऊपर उठाया। अब आप दर्पण के सामने से 2 कदम दूर जाएंगे और आपको बताना है कि प्रतिबिंब में क्या होता है। आप पाएंगे कि प्रतिबिंब में भी आप 2 कदम दूर, यानी कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो भी आपको दूरी पर दिखाई देता है। कि अब इस क्रियाकलाप को समझते हैं, ये कैसे होता है। इसके लिए आप महेश का उदाहरण लेंगे। जब महेश ने अपने आप को दर्पण में देखा, मान लीजिए ये बच्चा महेश है और इसने अपने आप को दर्पण में देखा। जब इसने अपने आप को दर्पण में देखा तो इसको कैसे दिखाई दिया? सबसे पहले जब हम अपने आप को देख पा रहे हैं दर्पण में, इसका कारण है कि कोई प्रकाश का स्रोत है और प्रकाश हमारे ऊपर गिर रहा है, हमारे शरीर से टकराकर प्रकाश इधर उधर फैल रहा है। इस दौरान शरीर से टकराया हुआ कुछ प्रकाश दर्पण पर गिरता है और दर्पण पर गिरा हुआ प्रकाश हमारा प्रतिबिंब बनाता है। हम अपने जैसी आकृति प्रतिबिंब के रूप में दर्पण पर देख पाते हैं। प्रकाश हम पर गिरा, यह परावर्तित होकर दर्पण पर पहुंचा, दर्पण से टकरा कर फिर ये हमारी आंखों तक पहुंचा। इस कारण हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख पाए। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। जब हम दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है और ऐसा प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक नहीं होता। वास्तविक का अर्थ क्या है कि हम दर्पण में दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ देर के लिए, जब तक हम दर्पण के सामने हैं तब तक दिखाई दे रहे हैं। अब आपको एक क्रियाकलाप और करना है। आइए देखते हैं क्या करना है। आपको एक कागज पर ए बी सी अक्षर लिखना है। आइए हम यहाँ पर ए बी सी लिखते हैं और आपको समतल दर्पण पर देखना है। मान लीजिए ये एक दर्पण है, बताइए दर्पण में आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? आप देखेंगे ए, ए आपको ए के जैसा ही दिखाई देगा, जबकि बी आपको पार्श्व में उल्टा दिखाई देगा, यानी कि जो दाएं तरफ जो हिस्सा है वह बाएं तरफ दिखाई देगा और सी भी आपको उल्टा दिखाई देगा। लेकिन उल्टे का मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा, नहीं, आपको सिर्फ दाएं वाला हिस्सा बाएं की तरफ और बाएं वाला हिस्सा दाएं की तरफ दिखाई देगा। आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक वस्तु पर गिरती हैं और टकरा कर उसी माध्यम में वापिस आ जाती हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? तो हम यहाँ पर चित्र द्वारा देख लेते हैं। मान लीजिए यह एक वस्तु है जिसे हमें दर्पण में देखना है और ये दर्पण में हमें इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोनों ही समान आकार के दिखाई देते हैं इसीलिए यहाँ पर अनुपात होगा 1:1। प्रश्न 3, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में भी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? हाँ, हम अपना प्रतिबिंब जल में
तथा किसी चमकदार सतह पर देख सकते हैं। प्रश्न चार, एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। आप सभी इंग्लिश के अक्षरों में अपने नाम को लिखेंगे और उसको दर्पण में देखेंगे। उसके पश्चात दर्पण में वह कैसा दिखाई दिया अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस का नाम उल्टे अक्षरों में लिखा होता है, क्योंकि आगे या पीछे जाने वाले वाहन जब अपने दर्पण में देखें तो उन्हें यह अक्षर सीधे दिखाई दें और एम्बुलेंस जल्दी से पढ़ने में आ पाए।